हेलो स्टूडेंट्स, तो आज सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। हमें बताना है फिर ब्लैक से फर्स्ट क्वेश्चन हमारा 1000 में कितने टेंस होते हैं, यानी 1000 में कितने टेंस होते हैं। तो हम 1000 लिखेंगे, 1000 कितना है यहाँ पर, टेंस हम कैसे निकालेंगे बेटा, है ना। तो 1000 टेंस बताएंगे कितने टेंस होंगे, है ना। टेंस कौन, टेंस 10 रुपीज के 1000 में कितने नोट होंगे, है ना। ऐसा लिख सकते हैं, जो पूछा जाता है जो नंबर पहले किया है उसको ऊपर लिख देंगे और डिवाइड करेंगे, जो नंबर पूछा जाए उसी से डिवाइड करेंगे। टेंस पूछा है तो टेन से डिवाइड करेंगे, जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगा, आंसर कितना आ जाएगा हमारा 100 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। ओके, सेकंड देखेंगे 1 लाख 100, 1 लाख में कितने 100 होते हैं, 1 लाख लिख देंगे, ऑब्वियसली बात है 1 लाख लिख देंगे और 100 बताना है, 100 का डिवाइड करेंगे, है ना। डिवाइड को मैंने कितना आएगा, टू जीरो से टू जीरो कैंसिल हो जाएंगे और आंसर कितना बचेगा, 1000। यानी 1000 100 के नोट्स हो जाएंगे, है ना। ऐसे लिख सकते हैं, 1 करोड़ में कितने लैक होंगे, 1 करोड़ में लैक बताना बेटा कितने होंगे। तो देखेंगे थर्ड वाले में 1 करोड़ में लैक बताना है, हमें क्या बताना है कि 1 करोड़ में कितने लैक होंगे। ओके, वन करोड़ लिख देंगे आप, ये 1 करोड़ हो गया। 1 करोड़ में लैक बताने के लैक कितने आएंगे, ये हमारा लैक हो गया। ओके, 1 करोड़ में लैक बताने हैं तो देखो 1, 2, 3, 4, 5 5 जीरो दे, 5 जीरो कैंसिल कर दो ऊपर के, ठीक है, 5 जीरो कैंसिल हो गया, कितना हो गया 100, यानी कि 100 लैक होंगे। 1 करोड़ में कितने लैक होंगे बेटा, 100 लैक होंगे। ओके, नेक्स्ट देखेंगे 1 करोड़ में बताना है 1000, तो 1 करोड़ लिख देंगे, 1, 2, 3, ठीक है, 1 करोड़ हो गया। इसमें बताना 1000 कितने होंगे, 1000 से डिवाइड कर देंगे, जो पूछा जाए लास्ट में 1000 होंगे कितने 100 होंगे उससे डिवाइड कर देंगे, ठीक है। 1, 2, 3, 1, 2, 3 ये कैंसिल हो गया, कितना बचा 10000, ये 10000 हो जाएगा, 10000 हो जाएंगे 1 करोड़ में, ठीक है। नेक्स्ट 1 करोड़ में पूछ रहा है कि कितने मिलियन होंगे, तो 1 करोड़ हमारा ऊपर लिखा ही है, ठीक है, हम नीचे मिलियन लिखते हैं, ये मिलियन होता है। ओके, तो डिवाइड करो बेटा 1, 2, 3, 4, 5, 6 1, 2, 3, 4, 5, 6 कैंसिल हो गया, नीचे जितने जीरो थे उतने ऊपर कैंसिल कर दिए, कितना आया बेटा 10 आंसर आया, इसका कितना आंसर आएगा हमारा 10 आ जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे बेटा, इसमें हमें क्या लिखना है, इसके नंबर नेम, नंबर नेम पे लिखे हुए हैं, हमें न्यूमरल्स में लिखना है, इसको क्या लिखना है, न्यूमरल्स में लिखना है, उसके बाद उसमें कॉमा भी लगाना है, ठीक है। सबसे पहले न्यूमरल्स में लिखना है और उसके बाद उसमें कॉमा भी लगाना है, ठीक है। तो देखेंगे न्यूमरल्स में लिखेंगे क्या क्या है, 67,82,601, तो लैक के कैसे आएगा 67 लिख दिया, लैक के प्लेस पे होना चाहिए, ठीक है, 82,000। अब इसके बाद कितना आएगा 82,000 प्लेस पे आएगा, फिर 600 और 1, टेंस की प्लेस का कुछ नहीं है ना इसमें, टेंस की प्लेस का तो वहां लिख देंगे 0, है ना, और 1, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। इसमें हम कॉमा लगाएंगे, इंडियन नंबर सिस्टम में हम जानते हैं, इंडियन नंबर सिस्टम में सबसे पहले 3 डिजिट बाद कॉमा लगता है, फिर 2 डिजिट बाद कॉमा लगता रहता है, ठीक है, ठीक है। 8 करोड़ की प्लेस पे दिया, अब लेफ्ट की प्लेस पे 7 लिख देंगे, 7
लिख दिया, ठीक है। अब 79, तो ये 79 किस प्लेस पे आ गया, वंस की प्लेस पे, टेंस की प्लेस पे, उसके नंबर छुपे यहां पे, काउंट करोगे वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड और 10,000। ये 7 लेफ्ट की प्लेस पे था, लेफ्ट की प्लेस पे आ गया। अगर 10 लेफ्ट की प्लेस पे आ गया, हम जीरो कर देंगे, ठीक है। इस जगह पे जीरो कुछ नहीं होता, उस जगह पे क्या भर देते हैं, जीरो भर देते हैं, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 8 करोड़। अकाउंट करो, वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड, 10,000 और 10,000 लेफ्ट, 10 लेफ्ट और करो, तो ये हमारा पुट हो जाएगा। यहाँ वैल्यू कॉम पुट करो, ये कॉम पुट हो जाएगी, ठीक है, ये कॉम पुट हो जाएगी। इंडियन नंबर सिस्टम के अकॉर्डिंग कॉम पहले, सबसे पहले, लास्ट से 3 डिजिट पहले, फिर 2 डिजिट बाद पहले पहले कॉमा हमारे लगते रहते हैं, ठीक है। थर्ड देखेंगे बेटा, थर्ड देखेंगे 5,76,00,000। तो ये भी हमारा करोड़ की प्लेस पे, 5 करोड़ की प्लेस पे लिख देंगे लोग, 5 करोड़ की प्लेस पे लिख दिया। अब 76 लाख की प्लेस पे, 76 पूरा है, 76 लिख दिया है, 76 लाख की प्लेस पे आ गया। 37,000 है, 37,000 है, 1,000 की प्लेस पे नहीं है हमारा, है ना, 1,000 प्लेस पे भी है। अब 600 की प्लेस हो गया, पीछे नंबर कोई नहीं है, 100 10 की प्लेस नहीं है, अपन कर लेंगे 0,0। अब लगाएंगे कॉमा, अब क्या लगाएंगे, कॉमा, तो ये यहाँ 3 डिजिट बार, यहाँ 2 डिजिट बार, यहाँ 2 डिजिट पहले, ठीक है, इसमें हम कॉमा लगा देंगे। अब देखेंगे बेटा, ये हमारा है इंटरनेशनल नंबर सिस्टम के अकॉर्डिंग, इंटरनेशनल नंबर सिस्टम के अकॉर्डिंग है, जो क्लास 5th में मैंने भी और 5th में, 4th में और 6th में भी दोबारा इसका रिकॉल कर रहे हैं, ठीक है। 5th और 6th में हमने पढ़ा, 5th और 4th में हमने पढ़ा है इसके बारे में। तो मिलियन की प्लेस पे लिखते हैं, तो 91 है, कितना है 91, तो लिखेंगे 1 4th नंबर का आंसर बन चुका हो जाएगा 91। ये किस प्लेस पे, मिलियन की प्लेस पे, ठीक है। 857,000 1,000 प्लेस पे, तो 857 लिखो, ये 1,000 प्लेस पे आ गया पूरा, ये ठीक है। अब 609 है, तो 609, अब 10 की प्लेस पे कुछ है नहीं है, तो 10 की प्लेस पे लिख देंगे हम यहाँ 0, ओके। अब कॉमा लगाएंगे, हमने सीखा है इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में कॉमा जो है वो 3 डिजिट वाला लगती है, कितने डिजिट वाला लगते हैं, 3 डिजिट वाला, तो ये एक कॉमा यहाँ लगेगा, एक कॉमा यहाँ लगेगा, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो जाएगा, ओके। हेलो स्टूडेंट, थर्ड सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर, इसमें हमें क्या करना है, कॉमा पुट करनी है और इंडियन नंबर सिस्टम के अकॉर्डिंग कॉमा पुट करनी है और क्या लिखना है, इसका नंबर नेम लिखना है ना, इंडियन नंबर सिस्टम के अकॉर्डिंग कॉमा पुट करनी है और नंबर नेम भी लिखनी है, ठीक है। तो हम पुट करेंगे कॉमा पहले, हम इंडियन नंबर सिस्टम के अकॉर्डिंग पढ़ा है, सबसे पहले 3 डिजिट बाद कॉमा लगता है, फिर 2 डिजिट पहले कॉमा लगता है, ठीक है। वैसे सब में पहले कॉमा पुट कर देंगे, यहाँ पे 3 डिजिट पहले आएगा, लास्ट से 3 डिजिट बाद पहले, फिर 2 डिजिट पहले, यहाँ पे 2 डिजिट पहले, यहाँ पर ये और यहाँ पर ये, यहाँ पहले 3 डिजिट, यहाँ पहले 3 डिजिट, फिर 2 डिजिट और फिर 2 डिजिट, ठीक है। ऐसे हमारे कॉमा ये लगते हैं, तो कॉमा हमने लगा दिए और इसके नंबर नेम लिखेंगे, हम नंबर नेम लिखेंगे क्या है, देखो 1, 10, 100, 1,000, 10,000, 10,000 और करोड़, है ना, करोड़ पे जा रहा है, क्या लिखेंगे 5 करोड़ ट्वेंटी सिक्स थाउजेंड और ये कितना 973 और 973, ठीक है, 973
थ्री ये हो जाएगा ठीक है। इसके बाद वाला देखेंगे, इसमें भी करेंगे फॉर्म फिल कर दिए, इसके नंबर नहीं देंगे क्या आएगा, वंस टेंस हंड्रेड थाउजेंड टेन थाउजेंड लैक और टेन लैक तो कितना हो जाएगा यहाँ पे सिक्सटी थ्री लैक, लैक की प्लेस पे सिक्सटी थ्री है, मेरे सिक्सटी थ्री लैक सिक्सटी थ्री लैक थाउजेंड प्लेस कितना फिफ्टी फोर निकाल लेंगे फिफ्टी फोर फिफ्टी फोर और हंड्रेड प्लेस कितना सेवन हंड्रेड टेन नाइन टेन प्लेस नाइन और थ्री तो कितना होगा सेवन हंड्रेड नाइन्टी थ्री हो जाएगा, कितना हो जाएगा सेवन हंड्रेड नाइन्टी थ्री ओके। नेक्स्ट सॉल्व करेंगे इसको, इसमें देखेंगे कितने प्लेस पे वन टेन हंड्रेड थाउजेंड टेन थाउजेंड लैक टेन लैक और करोड़ कितना है, तो कितना हो जाएगा ये सेवन करोड़ सेवन करोड़ सेवन की सेवन लैक सेवेंटी सेवन है, देखो थाउजेंड प्लेस खाली है जीरो जीरो है तो वो नहीं लिखेंगे ठीक है। यहाँ कितना जाएगा हंड्रेड प्लेस की खाली है, यहाँ पे डायरेक्ट लिखेंगे एटी सेवन कितना लिखेंगे एटी सेवन ओके। ये इस काम से हो जाएगा एटी सेवन क्लियर। नेक्स्ट वाला देखेंगे ये, अब देखो ये भी वन चेंज हंड्रेड थाउजेंड टेन थाउजेंड लैक टेन लैक और करोड़ करोड़ के प्लेस पे है फाइव करेंगे फाइव करोड़ फाइव करोड़ सिक्सटी लैक फिफ्टी थ्री थाउजेंड एट हंड्रेड फोर्टी टू एट हंड्रेड फोर्टी टू ये इसका आंसर होता है ओके। क्वेश्चन नंबर थ्री वाला हमारा यहीं कंप्लीट हो जाता है ठीक है। तो स्टूडेंट देखेंगे क्वेश्चन नंबर फोर सॉल्व करेंगे, इसमें इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में हमें नंबर को रिप्रेजेंट करना है, तो पहले हम इंटरनेशनल नंबर सिस्टम सीख लेते हैं ठीक है। इंटरनेशनल नंबर सिस्टम सेम इंडियन नंबर सिस्टम की तरह ही होता है, बस थोड़ा सा डिफरेंस होता है, क्या डिफरेंस है वो देखिए। देखो इंडियन नंबर सिस्टम में हमने सबसे पहले सीखा था वंस का प्लेस, चलो वही वंस का प्लेस लिख दिया हमने। इसमें तीन कॉलम होते हैं, वन वंस का प्लेस, टेंस और थाउजेंड और हंड्रेड, वंस टेंस और हंड्रेड ओके। थाउजेंड का प्लेस होता था फिर है ना, थाउजेंड के प्लेस में थोड़ा सा चेंजेस है इसमें है ना, थोड़ा सा चेंजेस है थाउजेंड टेन थाउजेंड ठीक है, लेकिन यहां पर हंड्रेड थाउजेंड भी होता है, कितना होता है हंड्रेड थाउजेंड ठीक है। यहां पर मिलियन फिर टेन मिलियन फिर हंड्रेड मिलियन ओके, ये मिलियन है, मिलियन की प्लेस है, ये थाउजेंड की प्लेस है,
ये बन सकते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ कोई नंबर दिया हुआ है, सब कैसे पाएंगे है ना। जैसे कि नंबर दिया है 7 5 3 8 9 4 3 6, इसको भरो इंडियन नंबर इंटरनेशनल नंबर सिस्टम के अकॉर्डिंग। तो सबसे पहले हम कॉमा पकड़ लेंगे, इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में कॉमा 3 डिजिट बाद ही आता है। कितने डिजिट बाद आता है? 3 डिजिट बाद ही आता है हर बार है ना। इंडियन में जबकि इंडियन में क्या था, इंडियन में पहले 2 डिजिट बाद और फिर 3 डिजिट बाद आता था, बट यहाँ पर जो है वो हमेशा 3 डिजिट बाद ही आता है इंटरनेशनल। ओके, तुम इसको भरेंगे क्या? इसमें भरो सबसे लास्ट प्लेस 6 3 और 9, फिर ये 4 और ये 8, 10,000 प्लेस है, 100,000 प्लेस है 3 और 7, ये 5 मिलियन प्लेस है और 10 मिलियन प्लेस है 7। 100 मिलियन प्लेस में कुछ नहीं है तो उसको खाली छोड़ देंगे। ठीक है, ये हमारा इसको भरने का तरीका, जैसे इंडियन नंबर सिस्टम में भरते थे वैसे इंडियन नंबर सिस्टम भरेंगे, इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में भरेंगे। अब इसका हमें देखो क्या बनाना है, अगर इसका नंबर नहीं बनाना तो कैसे बनाओगी? क्या लिखोगी? 75,384,000। इसमें पूरा 3 घंटा लगेंगे, 1000 लगेंगे है ना, एक एक के लिए अलग अलग 1000 नहीं लगेंगे, 5,000, 500,000, 8, 10,000 ऐसा नहीं, सीधा पूरा 800,384,000 उसके बाद 1000। ठीक है, फिर 936, इसमें वंस प्लेस में तो वंस लिखने की जरूरत पड़ती नहीं है। ठीक है, ऐसे करेंगे। देखो इसका आपको एक बुक वाला एग्जांपल इसमें भर के दिखा दें आपको। ठीक है, इसके हटा देते हैं कॉलम जी,
ठीक है 6 मिलियन और 547 47 और 785 कितना आता है बेटा 785 कितना होता है 5 तो ये इसका आंसर आपको बन जाएगा ओके देखिए बेटा सी नंबर का सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले कॉमन पुट करेंगे 3 डिजिट पहले पहले ठीक है अब इसका इसमें टेबल भर लेंगे कितना आएगा 203 और यहां कितना आएगा 784 और यहां कितना आएगा 77 अब भरो उसको नंबर नंबर नेम देखो इसका बेटा कितना आएगा 77 मिलियन 748000 ही बेचते हैं 748000 बेचते हैं तो 784 थाउजेंड और 203 कितना है 200 ओके तो ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा सी वाले अब डी वाला फिर करेंगे बेटा इसी में तो सी वाला एरेज कर देते हैं डी वाला फिर कर देंगे ओके देखो पहली बार समझे पहले ये आपको क्लियर का नहीं बनाने का केवल ये अपना रट में बना बना के आंसर सीधे ऐसे लिखनी है ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं है ये रट में बनाने के समझाने के लिए आपको बता दिया इससे आपका इजी हो जाता है क्वेश्चन ओके तो इसमें कॉमन पुट करेंगे 3D पहले पहले फिर 3D पहले ठीक है नंबर में लिख देंगे नंबर में पढ़ देंगे कितना 5 6 0 5 3 8 4 2 तो भर गई मिलियन की प्लेस में कितना 56 रुपए हैं ये क्वेश्चन हमारा 60 वाला यही कंप्लीट हो जाएगा ओके 86 मिलियन और 100 की प्लेस में कुछ है नहीं तो उसको छोड़ दो 53,000 कितना 53,000 ओके और कितना है 843 तो ये कितना हो जाएगा इसका 842 ओके तो क्वेश्चन नंबर 4 हमारा यही कंप्लीट हो जाता है एक्सरसाइज भी हमारी कंप्लीट हो गई